नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, लेकिन दूसरी सूची में कई दिग्गजों को टिकट तो दिया गया, लेकिन अभी तक जिस नाम का इंतजार है उस नाम को नहीं देखा गया है। नाम है शिवराज सिंह चौहान का, यानी अभी तक उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम ही नहीं लिया गया है। कई सारे संकेत है जो इशारा कर रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अभी तक मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दो सूची जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी एक नाम है जो गायब नजर आ रहा है, इसे कैसे देखते हैं? अब बिल्कुल सही कहा आपने। पहली सूची में जब नाम नहीं आया तो ये सोचा जा रहा था कि ये वो सीटें हैं जहां पे तो हार जीत जो है वो बीजेपी की अगर देखी जाए तो जीत हुई नहीं, कहां वो हाई हार वाली सीटें थी, तो वहां पे शायद इसलिए सीएम का नाम नहीं आया। लेकिन अब जो दूसरी सूची आई है 39 उम्मीदवारों की, उससे ये अब क्यास लगने शुरू हो गए कि इसमें तो सभी दिग्गजों के नाम आपने शामिल कर दिए, ऑलमोस्ट, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री भी रैली जितनी की है मध्य प्रदेश में, उन्होंने साफ कहा है कि आप कमल के फूल को देखिए, आप मोदी जो है तो फिर मुमकिन है, सब कुछ हो जाएगा, तो शिवराज सिंह चौहान का कहीं जिक्र नहीं, कुछ नहीं, और उनका नाम भी नहीं, और इस लिस्ट में नाम भी नहीं आया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जैसे बहुत सारी स्टेट्स में पहले हुआ है, क्या शिवराज सिंह चौहान खुद मना कर देंगे कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता, या उन्हें केंद्र में लेके जाया जाएगा, या उन्हें संगठन में लेके जाया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। अब तीन तीन मंत्रियों को आप ले आए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जिसमें कि नरेंद्र तोमर हैं, जिसमें कि एक और नाम है, तो ये तीन नाम जो आए हैं तो वहां पे वैकेंसी भी तो क्रिएट हुई है। अगर ये विधायक बन जाएंगे या इनमें से कोई एमएलए बन जाएगा या मंत्री बन जाएगा या अगर जीत हुई तो सीएम बन जाएगा, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में ले जाया जाएगा, संगठन में ले जाया जाएगा, या फिर अभी कहीं नहीं की स्थिति है, या फिर टिकट मिल ही जाएगा? लेकिन ये सवाल अब लगातार राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई क्या चक्कर है, सीएम को आपने अभी तक टिकट अनाउंस नहीं किया, और कांग्रेस भी रह रहे के अंदर खाते ये सवाल जो है वो पूछती नजर आती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो बना हुआ है। गीता जी, जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम रैली हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भी रैली कर रहे थे, उन्होंने कहीं पर भी शिवराज सिंह चौहान की गई किसी बड़ी योजना का, जो योजना उनकी तरफ से चलाई गई है, उसका भी जिक्र तक नहीं किया है। बताया जा रहा है कि इस पूरी रैली में इंतजार था कि कहीं और कैसे शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। यानी एक बड़ा इशारा है कि हो सकता है इस बार शिवराज सिंह चौहान चुनाव ना लड़े। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि एक मर्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिला या पार्टी ने कह दिया आप मत लड़िए या एक इशारा चला गया, तो उसको फॉलो करते हैं। बहुत कम ऐसे नेता, उनकी भी हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन ऐसे नेता जो अपने आप पीछे हट गए, गुजरात विधानसभा चुनाव में पिछले साल हमने देखा कि पूर्व सीएम विजय रूपानी और डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया, सीएम डिप्टी सीएम दोनों ने, बहुत बड़ी बात है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा उमा भारती, सुषमा स्वराज, कलराज मिश्र जैसे कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ा। इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए शिवराज सिंह चौहान भी खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, ये सवालिया निशान है, हम कह नहीं रहे हैं, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। इसके संकेत पीएम मोदी के दौरे में दिखा, उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट का आना, शिवराज सिंह का नाम किसी रैली में या उनकी स्कीम का नाम नहीं लेना, तो ये उन चीजों की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की कहानी बहुत सिंपल है, आपको परफॉर्म करना है, आपको विनेबिलिटी भी दिखानी है, आपको हाई कमांड के हिसाब से चलना है, आप आ जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे नेताओं का हमने हश्र देखा कि क्या हुआ, चाहे वो कीर्ति आजाद रहे, चाहे वो यशवंत सिन्हा रहे, जो भी पार्टी के खिलाफ किया, जिसने भी अपने आप को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश की, या शत्रुघ्न सिन्हा रहे, या जिन्होंने भी पार्टी के फैसले का सम्मान नहीं किया, उसको जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, और कहीं ना कहीं हाशिए पे भी चला गया। अब ये देखना पड़ेगा कि इस स्थिति में, अब जब मध्य प्रदेश में
चुनाव हैं। और अच्छा, इसके पीछे एक और पॉलिटिकल मैसेज भी है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सीएम है, तो जब भी आप लंबे समय से किसी एक पद पर रहते हैं तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ हो जाती है, आप चाहें ना चाहें, क्योंकि आप एक पद पर रहते हुए, एक ऐसे पद पर जहां पे आपके नीचे करोड़ों लोग हैं, आप सबकी भावनाओं पे खरे नहीं उतर सकते, तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। तो ये एक वो फॉर्मूला भी आप समझिए कि उनको बिल्कुल एक पिक्चर से अभी तक आउट करके उस एंटी इनकम्बेंसी पे काबू पाने की भी एक कवायद है। उसके अलावा बहुत सारे नेताओं को वहां पे, बड़े दिग्गज नेताओं को उतार देना भी एक संकेत है शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्योंकि वो जो नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं या कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो बहुत सारे इलेक्शंस जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में जाके जिता चुके हैं बीजेपी को। तो ऐसी स्थिति में अब ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है, और राजनीतिक जानकार और कांग्रेस के नेता और अंदर खाते बीजेपी के नेता भी एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, भाई क्या चक्कर है, इनका नाम कब आएगा लिस्ट में, ये चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। ये अब सवाल जो है वो लगातार अब कल वाली जो परसों वाली लिस्ट आई उसके बाद से ज्यादा उठ रहा है। जी सर, इसके साथ साथ अगर हम ये मान लें कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, तो उनकी जगह कौन सा वो नाम होगा जो अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह देखा जाएगा? देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो अभी ये हाइपोथेटिकल है कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हो सकता है तीसरी लिस्ट में नाम आ जाए, पर अब तक नहीं आया, इसीलिए ये सवाल है। अब दूसरा सवाल, आपने कहा कि कौन वो नेता है जो उनको रिप्लेस कर सकता है। बीजेपी ने बहुत स्मार्टली यहाँ पे प्ले किया है और किसी भी नेता के नाम पर दाव लगाया ही नहीं है। उन्होंने एक कतार में इतने नेताओं को, इतने बड़े चेहरों को वहां पे उतार दिया है स्टेट के, और उसके ऊपर फिर अमित शाह, फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी, तो इतने चेहरे उन्होंने कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है आप कमल के फूल के नाम पर ही वोट कीजिए, लोगों से कहना शुरू कर दिया है। तो अब कहानी ये आई कि कौन हो सकता है वो चेहरा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे एक एक बंदे को एक एक जगह संभाल दी, भाई आप इंदौर संभालिए, अब उसके आसपास की 8-10 सीटें आपकी जिम्मेदारी है, आप ये संभालिए इसके 8-10 सीटें। अब ये देखा जाएगा कि कौन सबसे बेटर परफॉर्मर रहा। नंबर वन जो क्राइटेरिया रहेगा कि इन चुनाव में अगर बहुमत मिलता है तो कौन वो सबसे बड़ा बंदा था, फैक्टर था, जो सबसे ज्यादा सीटें अपने पूरे एरिया में से लेके आया है, सबसे ज्यादा जिसका वो योगदान रहा है। दूसरा, जो कि आम एक टर्म है जो हर चुनाव में हर पार्टी यूज करती है, कि विधायक दल अपना नेता चुनेगा। तीसरा, लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में कौन सा वो नेता फिट होता है उस सांचे में, क्योंकि आपको अगर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में यहां सरकार बनती है तो उसके 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आपको लोकसभा चुनाव में भी जाना है। कौन वहां पर एक बार फिर से, जो बीजेपी ने वहां करिश्मा किया था, 29 में से मेरे ख्याल 28 सीटें जीती थी, ऐसा कुछ हुआ था। एक सीट मुझे याद है कांग्रेस की आई थी, वो भी नकुलनाथ की, जो इनके बेटे हैं पूर्व सीएम के। तो अब बीजेपी के लिए कम से कम उसको तो रिपीट करें, अब जो पिछली बार हुआ था, कंप्लीट सफाई के हम कह रहे हैं, आप उसको तो रिपीट करें। अब कौन वो चेहरा है, कौन वो मुख्यमंत्री है जो उस कुर्सी पे बैठ के स्टेट में उस चीज को रिपीट कर सके, ये भी क्राइटेरिया रहेगा। और तीसरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि बीजेपी हाईकमांड के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, वो जो थिंक टैंक बैठा है वो किसको उस कुर्सी पे देखना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जी। और कुल मिलाकर अभी तक की दो जितनी भी सूची सामने आई है, जितने भी नाम सामने आए हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि शायद शिवराज सिंह चौहान चुनाव ना लड़े, लेकिन इंतजार तीसरी सूची का रहेगा। तीसरी सूची में शायद बेहतर ये साफ हो सके कि नाम सामने आने भी वाला है या नहीं। अभी तक के इशारे कहते हैं कि शायद जो है नाम सामने नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा में आप शामिल हुए, और इंतजार तीसरी सूची का रहेगा। तीसरी सूची में और बेहतर तरीके से साफ होगा कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने करने वाले हैं। से पहले मैं ये बता दूं कि तीसरी सूची का सिर्फ ये इंतजार नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम होगा कि नहीं होगा। तीसरी सूची, अब वो आप ये समझ लीजिए, ये जो सूची आ रही है ना, ये भी बीजेपी नेताओं के लिए एक सस्पेंस का विषय हो चुका है। क्या उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम होगा, क्या उसमें किसी और बड़े नेता का नाम आ जाएगा? और अगर उस लिस्ट में भी, क्योंकि बीजेपी के लिए मेरे को लगता है 39 का नंबर कुछ लकी है, पहली लिस्ट 39 की, दूसरी लिस्ट 39 की, अगर अगली भी 39 की आती है, तो आपने सही कहा कि उसमें शिवराज सिंह चौहान होंगे कि नहीं होंगे,
और उससे भी बड़ा सवाल कि और कौन सा बड़ा नेता उस लिस्ट में आ जाएगा। जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी तंज कस ही रही है, तो ये देखना होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस मैदान में उतार दिया जाता है, ये भी बड़ा जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग। सही आपने कहा कि कई और नामों का इंतजार रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी तीन मंत्री मैदान में उतर चुके हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दो और मंत्रियों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा इंतजार इस पूरी लिस्ट का रहने वाला है, क्योंकि तमाम बड़े सवाल इसी सूची में जवाब बनकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल हुए, और इसी तरह के तमाम अपडेट्स तमाम जानकारियां लेकर नेशन स्पीक हाजिर होता रहेगा। आप सभी से दरख्वास्त है कि अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देते रहिए। क्या कुछ आप मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशन स्पीक यूं ही हाजिर होता रहेगा।